शिवाय। शिव पुराण सरल भाषा में हिंदी का सार पूरा आपके सामने। शिव पुराण महात्म्य जो बदल देगा आपका जीवन, बना देगा सुखमय आपके जीवन को। शुरू करते हैं पहला अध्याय। सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। श्री शौनक जी ने कहा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता है, कृपया मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव असुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता लिए हो। प्रभु, वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, शौनक जी, आप धन्य हैं क्योंकि आपने मन में पुराण कथा सुनने के लिए अपार प्रेम व लालसा है, इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। वत्स, संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न व्यक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिव जी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में शिव जी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने संत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदरपूर्वक इस पुराण की रचना की है। यह पुराण कलयुग में मनुष्य के लिए हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए, इसे पढ़ना एवं सुनना चाहिए। ये मनोवांछित फलों को देने वाला है, इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है। इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है।